हेलो यूट्यूब, मैं आदर्श और आप देख रहे हैं बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में बताया था, बिजनेस क्यों अच्छा होता है और एक अच्छे बिजनेस को स्टार्ट करने के पीछे कितनी मेहनत होती है, वो मैं आज आपको इस एपिसोड में बताऊंगा। एक अच्छा स्टार्टअप अगर आप करना चाहते हैं और एक अच्छा स्टार्टअप करने के लिए आपको कुछ चीज़ें की ज़रूरत पड़ती हैं। जैसे कि आप पहले अपने अंदर सोचिए कि आखिर मैं ऐसा क्या सोचूं और एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया मार्केट में लेके आऊं जो किसी का ना हो। उसके लिए आपको बैठ के इत्मीनान से सोचना पड़ता है कि आखिर मैं क्या ऐसा चीज़ सर्विस लाऊं जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। इसके लिए आप मार्केट में निकलिए, लोगों से पूछिए, आप उनसे बात करिए कि आखिर उन्हें कौन सा ऐसा सर्विस चाहिए जो कि अभी तक मार्केट में नहीं है और किस चीज़ों के कारण उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है जो कि उन्हें नहीं मिल रहा है। तो आप उनसे बात करिए, उसके बाद घर आइए, घर में बैठ के इत्मीनान से सोचिए कि एक अच्छा स्टार्टअप करने के लिए पहले बहुत डीप नॉलेज चाहिए होता है उस क्रिएटिव आइडिया के लिए। वो क्रिएटिव आइडिया ऐसा होना चाहिए जो कि दूसरे स्टार्टअप के कंपैरिजन में बिल्कुल डिफरेंट हो, अलग हो। उसके लिए आपको डीप थॉट की ज़रूरत है। उसके बाद उस स्टार्टअप के पीछे आप बैठ के काम करिए कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और ये मैं कहाँ से लाऊं और कैसे अरेंज करूं और किन किन कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है और क्या क्या उसमें इंक्लूड होगा। लोग से जानकारी लेके कि आपको क्या चाहिए, क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, तब जाके एक स्टार्टअप निकलता है, अपने दिमाग में निकलता है, माइंड निकलता है। तो उस स्टार्टअप करने के लिए पहले जब लोगों को ऐसा लगे कि उन्हें दिक्कत हो रहा है और दिक्कत महसूस हो रहा है, तब एक एंटरप्रेन्योर्स को उसके पीछे अपनी अपॉर्चुनिटी दिखती है। क्योंकि जब तक आप सर्वे नहीं करेंगे, मार्केट में नहीं निकलेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें मार्केट में अभी अवेलेबल हैं या नहीं है। तभी आपको पता चलेगा मुझे ये करना है या मुझे ये करना चाहिए। तब जाके आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट, एक क्रिएशन होता है, मैं इस चीज़ को स्टार्ट करना चाहता हूँ। फिर टीम वर्क होता है उसके पीछे। फिर उस चीज़ को करने के लिए आपको ऑपरेशनल एक पायलट तैयार करना पड़ता है। पायलट मीन्स आप सोच लीजिए, मार्केट में जाइए, दो तीन लोगों से, 10 लोगों से, 5 लोगों से रिव्यू लीजिए उसके ऊपर कि हाँ मुझे ये चीज़ करना होगा। तो आप बताइए कि अगर मैं ये सर्विस लोगों तक पहुँचाऊँगा तो कैसा लगेगा। तो ऐसे ऐसे करके आप सबसे जानकारी लीजिए, फिर मैं आगे जाके आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगा कि कैसे करना है। बट लेकिन वो आइडिया आपका क्रिएटिव होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। मैं हूँ आदर्श और आप देख रहे हैं बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह।